हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी ग्लैम ग्लॉसी लाइफ। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक्स का। मैंने इसमें ऑर्डर किए थे 4 शेड्स। आज हम बात करेंगे इनके स्वाचेस की, क्वालिटी एंड प्राइस की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये इस टाइप की ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं। इस पर आपको इसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स एंड शेड देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस है 150 रुपीज़, बट ये ऑनलाइन इजीली डिस्काउंट पर मिल जाएगी। मैं इसके परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। ये नायका, पर्पल, अमेजोन सभी जगह अवेलेबल है, जिससे आप इसे ईजिली परचेस कर सकते हैं। इनका नेट वेट है 3.5 ग्राम और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह की ब्लैक प्लास्टिक पैकेजिंग में रिसीव होता है और इसके नीचे लिपस्टिक का शेड नेम और शेड नंबर मेंशन होता है। इसमें आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है। ये लिपस्टिक्स 20 शेड में अवेलेबल है। इसमें आपको रेड्स, मॉव्स, ब्राउन्स, न्यूड्स, हर टाइप के कलर मिल जाएंगे। मेरे पास इसके 4 शेड्स अवेलेबल हैं। पहला है रोजी लिप्स PM 06, सेकंड है महोगनी मोमेंट्स BO3, थर्ड है मरलॉट मैजिक RM 06, एंड फोर्थ है रूबी ग्लो RM 03। अब देखते हैं लिपस्टिक के स्वॉचेस। ये लिपस्टिक्स कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। ये थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र होती हैं और ऑयली फूड खाने के बाद में भी थोड़ी बहुत रिमूव होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। वन स्वाइप में ही ये अच्छी खासी पिगमेंटेशन प्रोवाइड करती हैं और ये एक मैट लुक देती हैं। इसे लिप्स पर सेट होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद ही लिप्स पर अच्छी तरह सेट हो जाती है और एक मैट फिनिश प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, इसीलिए ये लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती, तो ये एक अच्छी बात है। इन लिपस्टिक्स में हल्की सी फ्रेग्रेंस है और ये लिपस्टिक्स 4 से 5 घंटे तक आराम से आपके लिप्स पर स्टे करेंगी। इसके बाद आपको टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, यही था मेरा रिव्यू इन लिपस्टिक्स के लिए। इस प्राइस रेंज में ये लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें से आपको कौन सा शेड पसंद आया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी। थैंक यू।